फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से आप आइकन चेंज कर सकते हैं रियलमी C11 के मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात और मुझसे कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, घंटी का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको जाना है, आप क्लिक करना है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। आप इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सेट आइकन स्टाइल देखने को मिला, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो फ्रेंड्स, ये सभी आइकन स्टाइल है, आप चाहते हैं डिफॉल्ट, ये सभी स्टाइल आप उस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये सभी आपको स्टाइल देखने को मिलेगा, ये कस्टमाइज तरीके से करेंगे। आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है इस तरीके से। उस पर क्लिक कर देंगे आप तो यहाँ पे इस तरीके से चेक कर देंगे आप। देखिए फ्रेंड्स, ये भी कुछ चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला लगाना चाहूँगी। इसके बाद आपको यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और उसको आपको खींचना है इस तरीके से। देखेंगे फ्रेंड्स, ये कस्टमाइज़ हो रहा है। आप देखेंगे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का जो साइज है वो बिल्कुल ही कस्टमाइज़ हो रहा है। और यहाँ पे आप आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको इसे क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है आपको, और इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप जितना साइज चाहे आप रख सकते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, मैं इसे क्लिक कर दूँगी, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे आप तो ये सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखेंगे ये बिल्कुल चेंज हो चुका है आइकन स्टाइल। देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कटिंग इसकी देखेंगे आप, चेंज हो चुका है सभी का। इस तरीके से आप आइकन स्टाइल को चेंज कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और भी आपको दिखा देती हूँ। फिर से आप जाएंगे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पर फिर से आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, आइकन स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको मैं ये रख दिखाती हूँ। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे आप, मैं आपको साइज बढ़ा करके दिखाती हूँ। ओह, हट गया। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे जो आइकन है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। शेप देखेंगे कितना सुंदर लग रहा है। इसलिए आप आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखेंगे सभी का शेप है बिल्कुल चेंज हो चुका है। फिर से आप उस पर क्लिक करेंगे, आप इन पर क्लिक करेंगे, आप फिर से आप होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पर जाएंगे। आप फिर से आपको सेट आइकन पे क्लिक करेंगे आप। तो फिर से आप देखेंगे यहाँ, मैं आपको ये ला कर दिखाती हूँ। इस पर क्लिक करेंगे आप, कस्टमाइज़ करके दिखा दूँ। देखेंगे फ्रेंड्स, जो इतनी साइज़ में आपको दिखेगा मैं आपको सब छोटा करके दिखाती हूँ। अप्लाई पे क्लिक कर दूँ तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कितना छोटा दिख रहा है। देखेंगे फ्रेंड्स, सभी आइकन बिल्कुल छोटा छोटा हो चुका है, बिल्कुल ही छोटे छोटे। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और फिर से आपको दिल्ली चलती इसी पर होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे आप। फिर से आप इसको आइकन स्टाइल पे जाएंगे आप। देखेंगे फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करेंगे आप, इसको बड़ा कर देंगे आप। मैं ये रखना चाहूँगी, इस पर क्लिक कर देंगे आप, इसको कस्टमाइज़ कर देंगे आप। फ्रेंड्स, देखेंगे साइज़ बढ़ चुका है। इस तरीके से आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं आइकन स्टाइल को। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटी का ऑप्शन इस पर क्लिक करना, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।